नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। हम बैंक निफ्टी का डेली कैंडल चार्ट देख रहे हैं, कल मार्केट क्या हो सकता है यही सोच रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि राइजिंग वेज बन रहा था और मार्केट नीचे गिरा है और ये सपोर्ट लेवल मेंटेन कर रहा है। और प्रीवियस अगर देखें तो ऑलमोस्ट 40,370 के आसपास एक सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल बना था। तो डेली कैंडल चार्ट में गैप डाउन में मार्केट खुल चुका है, हो सकता है कल नेगेटिव में डेली कैंडल चार्ट से खुले, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस हैं क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट नीचे के साइड जा सकता है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस भी अवेलेबल हैं। उसी तरह डेली कैंडल चार्ट की तरफ अगर देखें तो आवरली कैंडल चार्ट में प्राइस गैप डाउन में खुला है, लेकिन मार्केट नीचे जाने के लिए स्ट्रगल किया हुआ है आवरली चार्ट में और रिवर्स होने की कोशिश किया है। तो हो सकता है कल आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव ओपनिंग होने की शंका है। उसी तरह 15 मिनट के कैंडल चार्ट को अगर नज़र करें तो क्लियरली मेंशन है कि फॉलिंग वेज बन रहा है, लास्ट मोमेंट में राइजिंग बहुत ही अच्छा कैंडल देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर ये कैंडल 17,570 को तोड़ देता तो पॉजिटिव ट्रेंड आवरली में भी 15 मिनट में भी आ सकता था। 5 मिनट के चार्ट में मार्केट नीचे जाने की स्ट्रगल और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर बाय भी दे चुका है, हो सकता है कल पॉजिटिव ट्रेंड में खुले। लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड में खुलने पर भी जब तक मार्केट प्रीवियस हाई, मतलब ये वाला 17,800 को तोड़ के ऊपर नहीं जाता, तब तक पॉजिटिव ट्रेंड होना थोड़ा मुश्किल है। अभी थोड़ा निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में बहुत सारे लोगों का पोजीशन बाय में है, जिन्होंने सेल में रखा हुआ था, पुट पे रखा हुआ था, उन्होंने तो बहुत अच्छा पैसा कमाया है। 5 मिनट से शुरू करेंगे प्राइस। अगर आप 5 मिनट के कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ था और सपोर्ट लेवल पे लास्ट टाइम में मार्केट उठने की कोशिश किया था। अगर कल मार्केट फ्राइडे के दिन 17,440 के ऊपर जाया जाता या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि 17,470 है उसके ऊपर जाता, तो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। उसी तरह मार्केट गैप डाउन में खुला था और नीचे जाने के स्ट्रगल में यहाँ पे भी हम क्लियरली देख पा रहे हैं नेगेटिव ट्रेंड तो है, और हमारा सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा है कि ये जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ चुका है और ऊपर जाके रजिस्ट कर रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट में भी फिर से दिखा रहा है प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। सिर्फ जो है, जो हमारा प्रोबेबिलिटीज़ है, आप अगर हमारे सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ऑटोमेटिक ये ड्रॉ कर देता है और ये सपोर्ट लेवल के आसपास है। प्राइस बहुत ज़ोरों से गिरा है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से हो, तो यहाँ पे एक रैली मिल सकता है। आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से तो मार्केट यहाँ से बता रहा है कि 17,700 तक जा सकता है, 300 पॉइंट तक। हो सकता है कल नहीं लेकिन परसों तक तो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है। ये ट्रेंड गैप डाउन में तो खिला है, लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं ये अभी तक पता नहीं चला है, कल जाके पता चलेगा। उसी तरह मार्केट आप अगर डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे तो राइजिंग वेज में ट्रेड हो रहा था और यहाँ पे मार्केट गिरा है, फॉल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम ऑलरेडी हुआ था और यहाँ पे आके फिर से उसी रेजिस्टेंस लेवल पे, उसी सपोर्ट लेवल पे मेंटेन कर रहा है। मार्केट अगर 17,200 तोड़ देता है तो आपको एक लंबा नेगेटिव ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन जितना मार्केट का अभी जो सिनारियोज है गिनने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता है यहाँ से मार्केट और टूटेगा, यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है इस एक्सपायरी या उसके अगले एक्सपायरी में मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ये था मार्केट का प्रेडिक्शन, कल मार्केट हो सके तो नेगेटिव ट्रेंड में, गैप डाउन में खुले तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव में खुलता है तो नेगेटिव चला जाएगा। ये दो सिनारियो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आपको बैंक निफ्टी का फिर से बता दे रहा हूँ एक चीज़, जो है डेली कैंडल चार्ट में यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे फॉल हुआ था, नेक्स्ट फॉल उतना जोर से नहीं हुआ था, अभी नीचे आ रहा है। अगर ये लो नहीं तोड़ पाता, मतलब 39,700, यहाँ से लगभग 600-700 पॉइंट है, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे थोड़ा लग रहा है कल अगर मार्केट गैप डाउन में खुलता है तो ये फील करेगा जितना भी प्राइस गिरा हुआ है, तो पॉजिटिव सिनेरियो जा सकता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर नेगेटिव गैप डाउन में खुलता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, उसी तरह पॉजिटिव खुल रहा है तो नेगेटिव ट्रेंड में आने की
कोशिश करेगा। ये था मार्केट का प्रेडिक्शन। आशा करता हूँ ये ऐसा ही मार्केट रिएक्ट करे और आप ये चीज़ें यूज़ करके आने वाले समय में पैसा कमाएं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है एल्गो सेमी एल्गो ट्रेडिंग, यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ड्रॉ कर लेता है और बाय सेल सिग्नल देता है। इसको जानने के लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू इसको आप इसको पढ़कर इसको इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड।